जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोकन के स्वागत कर रहल छी मिथिला मीरत में। दरभंगा एम्स के लक एक नवका अपडेट आयला और अपडेट के लक अपने लोकनिक सोझा छी। जना कि अपने सब जनित छे जे 15 के अर्थात 2015 में केंद्रीय कैबिनेट इन निर्णय केलके जे बिहारक जे दोसर एम्स छे ओ दरभंगा में बनायल जते। हालांकि बेर बेर ए बात पर हमरा सब कतेको रिपोर्ट फाइल कर चुकल छी जे दरभंगा में जे एम्स बने ते में नाना तरहक अड़चन एले और वे अड़चन में कतो ने कतो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के जे किछ सांसद सब छला है सेहो सब बहुत रास अड़चन जे छे से कथित रूप से ओहि में देलखिन। खास कर किछ गोटा के इच्छा रहन जे दरभंगा वाला जे एम्स छे वो भागलपुर चल जाए, किछ गोटा ए पर सोचित रहथिन जे ई एम्स मुजफ्फरपुर चल जाए इत्यादि इत्यादि। अंततो गतवा जे छे से हालांकि नीतीश कुमार सरकार के जे छे और नरेंद्र मोदी सरकार के अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार अई दुनू सरकार के जे मंशा छले ओ मंशा प्रथम दिन से जे छे ओ इस समय में बिहार में महागठबंधन के सरकार रहे ते तेजस्वी यादव के सेहो धन्यवाद या कांग्रेस के जे क्यों ओहि टाइम के नीति निर्माता सब छले तिनका सेहो धन्यवाद। कारण बिहार में दोसर कोनो गठबंधन के सरकार रहे, केंद्र में कोनो दोसर गठबंधन दोसर पार्टी के सरकार रहे। केंद्र सरकार की घोषणा जे बिहारक दोसर जे एम्स छे ओ मिथिला क्षेत्र में जते और नीतीश कुमार के सरकार इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव कांग्रेस सब गोटा के धन्यवाद जे ओ ई बात के निर्णय लेलन जे ई एम्स दरभंगा जेबाक चाही। हालांकि बहुत डिले भेले ओहि के बाद जे छै से कतेको एम्स जे घोषणा भेले ओकरा संग संग चाहे वो अहाँ के हम झारखंड के जे एम्स भेटले है से या फिर गोरखपुर के जे भेटले वो सब बनकर जे छै से प्राय तैयार भ गेले, काज शुरू भ गेले। मुदा अगर बात दरभंगा के करी तो एखनो लटकल रहले। हालांकि बीच में कने फिर पचड़ा भेले, डीएमसीएच परिसर में एम्स निर्माण हेते 81 एकड़ जमीन दौ दिल गेले, जमीन पर मिट्टी भराई प्राय जे छे सम खत्म भ गेले, आब ओहिठान पढ़ाई शुरू हेते। तो तमाम तरहक चीज के बीच में फिर ओहिठान गठबंधन बदलले और गठबंधन बदलला के बाद के जे परिस्थिति छै ओहि परिस्थिति से अपने सब सेहो परिचित छी। हालांकि तकरा बाद जे छै से वर्तमान जे बिहार के सरकार छै वो सरकार के निर्णय भेले जे शोभन में 150 एकड़ जमीन चिन्हित कयल जाए और ओहिठान नवका एम्स बनायल जाए। तो कुल मिलाकर इसका जे अपडेट है वो अपडेट ये जे बिहार सरकार के जे जल संसाधन सा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री छथि संजय कुमार झा वो लिखित जनतब जे छै से देलनि है नवका जे प्रस्तावित जगह छै 150 एकड़ के शोभन बाईपास में ओहि जगह पर ओहि नया चिन्हित जगह पर माटि भरेबाक लेल जे से टेंडर निकाल दिल गेले है और वो टेंडर जे छे से अलग अलग समय में वो टेंडर के कुल मिलाकर जे छे से 11 चरण में जे छे से ये टेंडर के निकालल जते और एकरा लेल जे अहाँ के बिल्डिंग करबाक जे डेट सब छे वो डेट प्राय जे छे से अहाँ के हम बता दै छी। अहाँ के बिड सबमिशन जे छे अर्थात बिडिंग सबमिशन अहाँ के स्टार्ट भ रहल छे 18/4/2023 से 11 बजे अहाँ के एकर शुरुआत भ जते और बिड सबमिशन लास्ट डेट एकर जे अंतिम तिथि छे निविदा के वो अहाँ के 8/5/2023 5 बजे साँझ तक। मिलाकर 18/4 अर्थात 18 अप्रैल से निविदा के शुरुआत भ रहल छे और एकर जे समापन छे से अहाँ के 8/5 अर्थात 8 मई 2023 का एकर समापन भ जेते। फिजिकल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एफिडेविट पेमेंट रिसिट सबमिशन एंड डेट जे छे ई तमाम तरह चीज के लक यहाँ के 9/5/2023 का एकर फाइनल अथी हेते जे जे कुल मिलाकर एमे जे फिजिकल जे क्यों गोटा ओहिठान जाकर जे चीज हिनका सबके जिनका जमा करावा पड़ते। हालांकि ऊपर का जे चीज सब छे ई अहाँ के epROC2.bihar.gov.in ई ऑनलाइन पर जे छे से ई पर अहाँ सब जाकर वीडिंग कर सकै छी और फिजिकल जे सबमिशन छे फिजिकल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एफिडेविट पेमेंट रिसिट सबमिशन एंड डेट जे छे ई अहाँ के 9/5/2023 3 बजे तक जे छे से ई अहाँ के बताएल गेल यऽ। एक बार टेक्निकल बिड जे छे से ओकर ओपनिंग डेट अहाँ के टेक्निकल जे कोनो चीज छे से अहाँ के ओ हेतै कुल मिलाकर 9/5/2023 एकरो डेट जे छे से 9/5/2023 छे और फाइनेंशियल बिड ओपनिंग ई बाद में एकर अनाउंस हेतै और टेंडर बिड वैलिडिटी जे छै से 120 दिन का जे छै से ई बिडिंग के जे छै एकर वैलिडिटी ई मान्य रहतै। तऽ कुल मिलाकर ई बात भेल एम्स के लऽ कऽ जे अपडेट छै जे शोभन बाईपास में जे बनै वाला एम्स के लेल प्रस्तावित जे जगह छै तकर जे निविदा बिहार सरकार निकाललकै यऽ माटि भरेबाक ओ 11 चरण में छै 11 अलग अलग चरण में और कुल मिलाकर
ई जे नवका शोभन बाईपास में जे ई एम्स के जगह अलॉट भेलै है तकरा पर माटि भरेबाक निविदा अर्थात आई 16 तारीख छै 17 ने 18 अर्थात मंगल दिन से जे छै से एकर शुभारंभ भ जेतै। अहां सब जे साइट कहलहुं है ताहि साइट पर जाकर जे केओ गोटा इंटरेस्टेड हेता जे ई चीज में दिलचस्पी रखैत हेतै जिनकर एहन तरहक जे कोनो बिजनेस करैत हेतै जे कंस्ट्रक्शन लाइन में हेतै तऽ ओ कंपनी जाकर ओहिमे निविदा कऽ सकै छथिन। तऽ दरभंगा एम्स से जुड़ल ई एकटा नवका अपडेट अछि जे बिहार के जल संसाधन से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा अपन फेसबुक पेज के माध्यम से बिहार सरकार के वो गजट वाला नोटिफिकेशन जारी कलन है और जे नोटिफिकेशन के तहत ऐ बात के पहल गला जे एकरा अलग अलग 11 चरण में एकरा माटि भरेबाक निविदा हम सब स्वीकार कर रहल छी। तो ई एकटा अपडेट छल और ई अपडेट के बाद जे जना दरभंगा एम्स से जुड़ल जे चीज हेते तकर लक अपने लोकनिक सुझाव आबैत रहब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टफन XT600 HCR TNT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।